तामीरी समाज में नौजवानों का किरदार। आज हमारे जवानों से कहा जाता है, नौजवानों ये देखो तुम तंबाकू के आदि हो, सिगरेट पीते हो इसलिए कि कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी के बाउंड्री में आ गए हो, ये बीड़ी नोशी की आदत तुम्हें लग गई है, ये गुटखे तुम खाते हो, ये सारी बीमारियों की चीजें हैं, इससे तुम्हें कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर, फेफड़े का कैंसर, दिल की बीमारियां, अपने आप को बचाओ। बोला ना क्या करूं, अमल लग गई है। कौन सी अमल है भाई, ये बदअमली है। नौजवानों आओ मैं आपको बताऊं सहाबे किराम की तामीरी सोच। एक जमाना था कि शराब हराम नहीं हुई थी मक्के में, पूरी 13 साल लाइफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी उस वक्त शराब हराम नहीं हुई, और शराब इस कदर मक्के में लोग पीते थे कि जैसे हम घड़ों में पानी, मटकों में पानी रख करके पिया करते हैं, ऐसे शराब उनके यहां मटकों में रखी जाती थी, जब भी जरूरत थी गिलास से निकाला और पिया। ये हालत थी उनकी, गुट्टी में ये चीज बैठ गई थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब को हराम करने के लिए अलग अलग 3 स्टेप्स लिए। सबसे पहले अल्लाह ने सूरह बकरा सूरत नंबर 2 की 219 नंबर की आयत उतारी, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس। ऐ नबी, ये लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, इनको बता दीजिए इसमें बड़ा गुनाह है, थोड़ा सा फायदा भी। मतलब गुनाह जब ज्यादा है तो बचो, लेकिन अभी शराब हराम नहीं हुई थी, अभी लोग पी रहे हैं, लेकिन नफरत दिला दिया अल्लाह ताला ने शराब से, बचने वाले बचने भी लगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी पी रहे क्योंकि शराब हराम नहीं हुई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा सूरत नंबर 4 की आयत नंबर 43 नाज़िल फरमाई और कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। नमाज फर्ज हो गई थी, ऐ ईमान लाने वालों देखो नमाज के करीब ना जाओ जब तुम नशे की हालत में। मतलब क्या था, हर नमाज के वक्त में शराब पी लो ताकि नशा आ जाए और नमाज माफ हो जाए, नहीं, नमाज फर्ज हो गई थी। ये आयत असल में हमारी तरबियत कर रही थी, ये लोगों अब देखो जब नमाज फर्ज हो गई है तो कहां ज्यादा वक्फा है, आप मगरिब पढ़ते असर पढ़ते हो उसके थोड़ी देर के बाद मगरिब है, मगरिब पढ़ते हो फिर थोड़ी देर के बाद ईशा है, हाँ ईशा के बाद ठीक है एक लंबा गैप है, फजर के बाद फिर थोड़ा सा वक्फा है, लेकिन अक्सर नमाजें तो बस थोड़े से वक्फे के बाद है। यानी शराब से बचो ताकि तुम्हारी नमाज ही ना छूटे, ये मतलब था। नशे की हालत में जाओ ही मत कि तुम्हें नमाज छोड़ना पड़े, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मुतनफिर हो गए लेकिन कुछ पी रहे क्योंकि शराब अभी क्लियर हराम नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीसरी बार शराब को हराम करने के लिए सूरह मायदा सूरत नंबर 5 की आयत नंबर 90 नाज़िल फरमाई, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون। أي إيمان لانے والو بشك شراب جوا پانسے کے تیر جسے فال نکالتے ہو اور یہ آستانے جہاں غیر اللہ کے نام کے ذبیحے کرتے ہو ये सब पलीद नापाक शैतानी काम है। फजतनिबू सो अवॉइड देम लअल्लकुम तुफ्लिहून सो दैट यू मे बी प्रॉस्पर। बचो इनसे ताकि निजात मिले तुमको। मतलब शराब क्या हो गई, बचो मतलब शराब हराम, अब नहीं पीना है। सही बुखारी किताबुल मजालिम हदीस नंबर 2464 बाबो सब्बिल खमर फितरे, इमाम बुखारी ने बाब बांधा है रास्ते में शराब को उंडेलने का बयान, उस चैप्टर में यह हदीस लेकर आया। हजरत अनस कहते हैं कि जिस दिन ये सूरह मायदा की आयत नंबर 90 नाजिल हुई, मैं अबू तलहा अंसारी के घर में लोगों को खजूर से बनी हुई बड़ी उमदा शराब फदीख पिला रहा था। इतने में मुनादी आवाज लगाते हुए आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत, अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत, सुनो शराब हराम हो गई है, सुनो शराब हराम हो गई है। अबू तलहा ने कहा, अनस जरा बाहर निकलो देखो तो कैसी आवाज है। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाहर गए, सुनकर आए, कहा कि शराब हराम हो गई, मुनादी आवाज लगा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, शराब हराम हो गई।
हजरत अबू तलहा ने वो जाम जो उनके और उनके साथियों के मुंह लगे हुए थे उसे फेंक दिए, ग्लासेस तोड़ दिए और कहा अनस अब जब शराब हराम हो गई है तो देख किस बात की है, ये मटके जिनमें शराब रखी हुई है ले जाओ एक एक करके गली कूचों में फोड़ दो, उड़ेल दो शराब हवा में इसकी तरफ। ले जाकर एक एक मटके हजरत अनस उड़ेलते रहे, फेंकते रहे, बर्बाद करते रहे। उनका कहना है ये शराब मदीने के गलियों में ऐसे बहने लगी जैसे बरसात का पानी अभी उतर आया, इस कदर शराब थी मदीने। मेरे भाइयों नौजवानों, वो जवान थे जो शराब पी रहे, एक आवाज आई बचो कामयाबी इसमें है, देर नहीं, कोई चूनो चरा नहीं, उसके बाद कोई सवाल नहीं। लेकिन आज एक जवान से हम कहते हैं मेरे जवान ये सिगरेट की पैकेट जो तुम्हारे जेब में है, ये सिगरेट जो निकाल कर तुम जला रहे हो, पी रहे हो, इसके कष्ट ले रहे हो, कभी तुमने पढ़ा है इट इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ? जरा उसकी पैकेट निकालो, अच्छा इंपोर्टेड है, देखो क्या लिखा है, लिखा हुआ है इट इज मेंशन अपन दी पैकेट क्या है, स्मोकिंग, इंडिया लिखता है स्मोकिंग किल्स, बस है ना, स्मोकिंग करने से आदमी मरता है, लेकिन बाहर की कंपनियां थोड़ा सा अमानतदारी का सबूत देते हुए कुछ जुमले लिखती हैं, क्या कहते हैं, स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर, हार्ट डिजीजेस एंड डेंजरस फॉर योर हेल्थ। स्मोकिंग करने से तुम्हें लंग का कैंसर, फेफड़े का कैंसर होता है, दिल की बीमारियां होती हैं और सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह है। लेकिन है मेरे जवान, इसके बावजूद तुम खरीदते और पीते हो और कहते हो मौलाना सिगरेट का नाम तो कुरान में नहीं आया ना, बीड़ी का नाम तो कुरान में नहीं आया ना। आओ मैं आपको आज बतला दूं, तामीनी सोच रखो जवानों, कम से कम अपनी तो सोचो, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपनी सेहत की तो फिक्र कर। शरीयत ने इन चीजों को जो हमारे जान के लिए मोहनिक है हराम करार दिया है। तीन दलाइल की रोशनी में बात आ गई है तो मैं आपको बतला दूं, तंबाकू टुबैको और इससे बनी हुई तमाम अशिया, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो गुटके हो या इस जैसी और दूसरी चीजें जो तंबाकू से बनती है, मेरे भाइयों ये तमाम की तमाम हराम, शरीयत की नजर में हराम है। आप कह रहे होंगे क्या दलील है? जी उलमाए हक ने तीन दलीलें दी हैं। नंबर एक, ये तंबाकू और इससे बनी हुई चीजें सब खबीस हैं, पलीद हैं। एक आदमी सिगरेट पीता है, दूसरा नहीं पिया उसने कभी, बताओ आप अगर उसके पास बैठकर सिगरेट की कश लो, उसका धुआं भी उसको बर्दाश्त होता है? होता है मेरे भाई? नहीं। आप अगर जरा शरीफ हो तो उठकर चले जाते हो, चलो भाई इनके पास कौन बैठेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि भाई जरा जोश और जज्बे वाले हैं, अभी और पब्लिक प्लेस है, क्या कर रहा है, मार खाना है क्या, ऐसा भी होता है। मतलब एक सलीमुल फितरत इंसान, पाकीजगी वाला, तहारत वाला, नफासत पसंद, वो इसके धुएं तक को बर्दाश्त नहीं करता। ये दलील है कि ये चीज खबीस है, खबीस चीजों में इसका शुमार है जो चीज तंबाकू है उससे बनी हुई चीज। और कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। ये नबी हलाल चीजें, पाकीजा चीजें तुम्हारे लिए हलाल ठहराता है अल्लाह के हुक्म से, और ये नबी खबीस चीजों को हराम ठहराता है। उलमा ने कहा ये खबीस है, हराम। नंबर दो, सिगरेट नोशी, बीड़ी नोशी, तंबाकू नोशी, नौजवानों इससे अपने आप को बचाओ, हराम है। दूसरी दलील, जब ये खबीस चीज है तो इसमें अपने पैसे लगाना ये फजूल खर्ची है, हराम चीज में, वो भी हराम चीज में फजूल खर्ची हम कर रहे हैं। और शरीयत ने दोनों तरह की फजूल खर्ची से मना फरमाया है। आप अगर कोई हलाल काम भी कर रहे हो लेकिन ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो बिना वजह, वो भी फजूल खर्ची है, हराम है। और दूसरे ये कि कोई आदमी गलत काम कर रहा है,
बैंड बाजा बुकर चला रहा है, म्यूजिक लोगों को सुना रहा है, उसमें भी फजूल खर्ची कर रहा है। ये भी फजूल खर्ची है लेकिन ये हराम चीज में, और दोनों किस्म की फजूल खर्ची हराम है। कुरान ने कहा वला तुबद्दिर तब्दीरा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश्शयातीन वकान अश्शैतानु लिरब्बिही कफूरा। ऐ मेरे भाई देख, वला तुबद्दिर तब्दीरा, अल्लाह ताला कह रहा है देख है बंदे तू फजूल खर्ची ना कर, शैतान का भाई न बन, इसलिए कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। मेरे जवानों बताओ तुम इंसानों का भाई बनना चाहते हो, शरीफों का भाई या शैतान का? बोलो, कभी हम नहीं पसंद करेंगे कि हम शैतान के भाई हैं। अल्लाह ने मना फरमाया ऐसी फजूल खर्ची से बचो। नंबर तीन, हम देख रहे हैं कि कंपनियां खुद लिख रही हैं ये चीजें, इनसे फेफड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर, दिल की बीमारियां और हमारे सेहत के लिए बड़ी खतरनाक चीजें हैं ये टोबैको और उससे बनी हुई चीजें, फिर भी हम खरीदते हैं। मतलब किस्तवार खुदकुशी कर रहे हैं, किस्तों में अपने आप को मार रहे हैं। और कुरान ने क्या फरमाया वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका, तुम अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में न डालो, मत मारो अपने आप को। ये दलाइल है, उलमाए हक ने इन दलाइल की बुनियाद पर कि नंबर एक ये चीजें खबीस हैं, नंबर दो इनमें पैसा लगाना फजूल खर्ची है जो हराम है, नंबर तीन अपने आप को मारना खुदकुशी करना हराम है, और जो जवान इसे पीता है इससे जुड़ा हुआ है वो किस्तों में खुदकुशी करने जा रहा है, इसलिए उसको बचना चाहिए। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए जब इसका नाम कुरान में नहीं है। ठीक है, बात यही है तो मैं ये भी बता दूं आपको कि इसका नाम हदीस में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है। हर नशा आवर चीज क्या है? हराम। कुछ चीजें नशा आवर होती हैं, कुछ चीजें अकल में फतूर डालने वाली होती हैं। अब अगर यही सिगरेट एक जवान जिसने कभी नहीं पिया है जरा पिला करके देखो क्या होता है, उसकी अकल किस तरह मारी जाती है, किस तरह माउफ ज़्याम हो जाता है। अगर इसका जिक्र हदीस में आया कि नशा पैदा करने वाली और मुफ्तिर फतूर डालने वाली ये चीजें हराम हैं, अब नाम जो भी हो, आप उसको एमडी पाउडर कह लें, आप उसको टोबैको कह लें, आप उसको तंबाकू कह लें, आप उसको सिगरेट या बीड़ी कह लें, आप उसको चरस कह लें, आप कुछ भी नाम दे लें, लेकिन शरीयत ने जो कायदा दिया है नशा आवर चीज फतूर अकल में डालने वाली चीज वो हराम है। अब अगर इसका जिक्र हदीस में है तो मुझे कहने दीजिए कि इसका जिक्र कुरान में भी है। इसलिए कि नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उमा आताकुमुर रसूल फखुदू, सूरह हश्र सूरत नंबर 59 की आयत नंबर 7, उमा आताकुमुर रसूल फखुदू उमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे मना करें उससे। नबी ने हदीस में मना फरमाया, बोलो मना फरमाया कि नहीं? तो आप अगर देखेंगे इनडायरेक्ट इसका जिक्र कुरान में भी, कुरान कह रहा है कि नबी जिससे रोक रहे हैं उसे बचो। अल्लाह ताला हमारे जवानों को इन मोहलिक चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए, तामीर समाज की जो काम है अल्लाह उन्हें करने की तौफीक अता फरमाए।